प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आज पतंजलि योग सूत्र की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, पिछला जो हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हम लोगों ने किया था, जो हमारा सत्र था, उसमें हमने दूसरे अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय पतंजलि योग सूत्र का साधनपाद, साधनपाद को शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने क्रिया योग के बारे में पढ़ा था। क्रिया योग क्या था? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पंच क्लेशों का पढ़ा हुआ था। पंच क्लेश क्या थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश तक जो हमने पढ़ा था, आज हम उसके आगे से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो विषय है उसमें ब्लॉक टू यूनिट नंबर 4 पे हम चल रहे हैं। इसमें इसके पहले जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं उसको आप देख सकते हैं इसी वेबसाइट पे अपने विश्वविद्यालय के, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने पूरा किया, फिर साधनपाद पे आए। साधनपाद में 9 सूत्रों को हमने पढ़ा था। आज हम 10वें सूत्र से स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले 10वां सूत्र हमारा क्या है? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। तो ये क्या है? सूक्ष्मा क्या क्या कहना चाह रहे हैं, प्रसव क्या है, इसको समझते हैं। तो क्रिया योग हमने पढ़ा था। क्रिया योग क्या करता है? तो क्लेशों का सूक्ष्म करता है, क्लेशों को खत्म करता है। तो महर्षि यहाँ पे उसी का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, क्रिया योग से सूक्ष्मावस्था को प्राप्त जो क्लेश हैं वो क्या करते हैं? आत्मपथ की तरफ बढ़ने के विरोधी हैं। ये क्लेश क्या करते हैं? आपको योग मार्ग में बढ़ने के विरोधी हैं। इनको क्या करना है? इन्हीं को रोकना है। तो क्रिया योग के कारण ये सूक्ष्म तो हो गए, लेकिन इससे क्या करता है? विकारों को उत्पन्न यानी कि प्रसव यानी कि उत्पन्न करने वाला है। इसलिए हेया नष्ट करने योग हैं ये जो क्लेश हैं, जो आपको योग मार्ग में बढ़ने से रोक रहे हैं, विकारों को उत्पन्न कर रहे हैं, उनको क्या करना है? हेया करना है। यहाँ हेया मतलब यहाँ पे नष्ट करने योग हैं। तो महर्षि इसी पे वर्णन करते हैं कि ये क्लेशों को क्रिया योग से तो हमने सूक्ष्म किया, लेकिन अभी ये बने हुए हैं। अब बने हुए हैं तो इसको क्या करना है? इसको नष्ट करने योग है। इस आगे देखते हैं, क्लेशों के विपरीत परिणाम प्राप्त करने का उपाय क्या है? क्लेशों का विपरीत क्या हुआ? तो क्लेश हमको योग की तरफ रोक रहे हैं, उसका विपरीत जो हमें योग की तरफ बढ़ाएं, तो उसका उपाय महर्षि बताते हैं। ध्यान हेयास्तद वृत्त्या, ध्यान हेयास्त वृत्त्या, अर्थात क्लेश से संयुक्त वृत्तियाँ ध्यान द्वारा नाश करने योग हैं। ये जो क्लेश हैं, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में जानी जाती हैं, इनको कैसे नष्ट कर सकते हैं इन क्लेशों को? तो ध्यान के द्वारा। ध्यान हेयास्त वृत्त्या, ध्यान द्वारा नाश करने योग्य है, अर्थात क्लेशों को निरसन करने के लिए ध्यान धरना है। इन क्लेशों को जो सूक्ष्म अवस्था में बनी हुई हैं, अभी विकारों के रूप में हैं, जो योग मार्ग में आपको बढ़ने से रोक रही हैं, इनको कैसे करना है, नष्ट कैसे किया जा सकता है, इनका निरसन कैसे कर सकते हैं? ध्यान के द्वारा करते हैं। ध्यान की विधि महर्षि ने अपने इसी पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में वर्णित किया है, जिसको हम तीसरे पाद में यानी कि विभूति पाद जब आएगा, तीसरा अध्याय आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें तीसरे पाद के द्वितीय सूत्र में द्रष्टव्य, यहाँ बताया भी गया है कि तीसरा पाद जब आएगा तो दूसरा सूत्र में उन्होंने ध्यान का वर्णन किया। वहाँ क्या कहा गया है? अभ्यास में चित्त जहाँ लगाया जाए वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, उच्चाटन न होना ध्यान। तो ध्यान क्या है? अभ्यास, योग अभ्यास में जब अपने चित्त की वृत्तियों को किसी विषय में लगा देंगे तो वो उसी में लगा रहे, बना रहे, निरंतर उसी अवस्था को प्राप्त रहे, उसमें उच्चाटन ना हो, तो ये हमारा ध्यान कहलाता है। ध्यान द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये शुभ अशुभ संस्कार दुख के ही कारण है। महर्षि ने स्पष्ट किया, चाहे शुभ हों चाहे अशुभ हों, सारे संस्कार क्या हैं? आपके दुख के कारण हैं। और इनको मिटाने का एकमात्र उपाय महर्षि ने यहाँ पर वर्णन किया है, क्या है? वो ध्यान है। ध्यान के द्वारा ही ये क्लेश नष्ट होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया क्या है? क्लेश मूलह कर्मा सेव दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया,
क्लेश मूल कर्मास्य दृष्टा दृष्ट वेदने, अर्थात क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है तब तक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट अर्थात वर्तमान तथा अदृष्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। अर्थात अगर आपको दृष्ट, दृष्ट को महर्षि ने क्या कहा, वर्तमान, दृष्ट अर्थात वर्तमान, अदृष्ट अर्थात भविष्य में, ये क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है, और क्लेश का मूल यहाँ पे महर्षि ने किसको बताया है, कर्म संस्कार, ये कर्म संस्कार से ही क्लेश उत्पन्न होते हैं और ये जब तक बने हुए हैं तब तक आपको वर्तमान में और भविष्य में इन जन्मों को लेना और उसको भोगों को भोगने का आवागमन लगातार बना रहेगा, यानी कि भोगा जाने वाला है। तो यहाँ पे तो एकदम स्पष्ट होता है दृष्ट और अदृष्ट दो बातें, दृष्ट मतलब दृष्ट का अर्थात वर्तमान, अदृष्ट अर्थात भविष्य, तो दोनों में ये क्लेश जब तक बने रहेंगे जन्म लेना पड़ेगा और उसको भोगना पड़ेगा, ये कर्म संस्कार ही क्या है, क्लेशों के मूल है। आगे देखते हैं, फिर कहते हैं उन भोगों का स्वरूप क्या होगा, ये जो भोग हैं वो क्या किस स्वरूप में हैं, वो किस रूप में प्रकट होते हैं, तो महर्षि ने इसको भी सूत्र रूप में बताया है, सती मूले त्वदिपाको जातायुर्भोगा, क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक तदी विपाक उन कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम क्या होगा, जन्म पुनर्जन्म आयु और भोग होता ही रहता है। जब तक ये क्लेश किससे उत्पन्न हुआ, कर्म संस्कारों से, और ये जब तक कर्म संस्कार बने रहेंगे तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा, अपनी आयु पूरी करनी पड़ेगी, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, भोग भोग भोगना ही पड़ेगा। ये महर्षि ने स्पष्ट किया कि कर्म संस्कार के द्वारा ही ये जन्म आयु और भोग बराबर बने रहते हैं। परिणाम के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट कहते हैं, अब ये जो परिणाम है इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं, महर्षि कहते हैं ते आह्लाद परिताप फला पुण्यापुण्य हेतु त्वात, और स्पष्ट कहते हैं क्या है, वे जन्म आयु और भोग हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण दो हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म, जन्म आयु और भोग ये सब क्या है, इसी कर्म संस्कारों से उत्पन्न हो रहते हैं। ये जो आपके कर्म हैं दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, पुण्य कर्म और पाप कर्म, लेकिन ये क्या है, ये भी शोक और हर्ष देने वाले हैं, तो पुण्य कर्म से आपको हर्ष की प्राप्ति होगी, पाप कर्म से आपको शोक की प्राप्ति होगी, लेकिन कुल मिला के आपको ये भोग देते हैं, चाहे आपको अच्छा भोग मिले चाहे बुरा भोग मिले, योग में इन दोनों से ही ऊपर उठना है तब वास्तविक योग की प्राप्ति होती है। आगे इसको देखेंगे हम, पूर्णत की ओर ले जाने वाला कर्म पुण्य कर्म है तथा पतनोन्मुख कर्म पाप कर्म है। पूर्णत की ओर अर्थात परमात्मा की तरफ जो आपको ले जाए, जो योग की तरफ ले जाए वो पुण्य कर्म है, जो आपको योग से दूर रखे पाप कर्म की तरफ ले जाए, संसार की तरफ ले जाए, उसको यहाँ महर्षि ने पाप कर्म कहा। तो पुण्य कर्म अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म आयु और भोगों में हर्ष प्रदान करता है, इसी तरह पाप कर्म क्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म आयु और भोग के रूप में परिताप प्रदान करता है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का वर्णन हम लोगों ने समाधि पाद में पहले ही किया है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या होती हैं, जो पतनोन्मुख हैं यानी पाप कर्म की तरफ ले जाती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं, जो आपको पुण्य कर्म की तरफ ले जाएंगी, यानी कि परमात्मा की तरफ ले जाएंगी, योग की तरफ ले जाएंगी। तो यहाँ दो वृत्तियों का वर्णन करते हुए महर्षि ने पुण्य कर्म और पाप कर्म का वर्णन किया है। आगे देखते हैं इसको, विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है। महर्षि यहाँ स्पष्ट करते हैं जो विवेकी लोग हैं, जो योग मार्ग में लगे हैं, उनके लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है, क्योंकि कभी सुख आएगा तो उसके परिणाम के अंत में उसका विपरीत दुख भी आएगा। इन दोनों से ऊपर उठ जाना है, इन दोनों से ऊपर उठ के ही योग की प्राप्ति होगी। तो इसको स्पष्ट करते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच
दुखमेव सर्व विवेकिना। 15वें सूत्र में इन्होंने इसको स्पष्ट किया। क्या कहा फिर समझेंगे। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुख हैं। सब में विद्यमान रहने के कारण एवं तीनों गुणों में वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए सब कर्मफल दुख रूपी है। तो हमने अभी समझा तीन प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से दुख हैं? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। और तीन प्रकार की वृत्तियां हम लोगों ने पहले पढ़ा है, सत, रज और तम। इन तीनों गुणों में आपस में क्या होता है? विरोध होता है। इससे क्या होता है? इससे आपस विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए क्या हो गया है? ये दुख रूप ही है। प्रत्येक कर्म फल भोग काल के उपरांत परिणाम दुख प्रदान करता है। परिणाम दुख क्या है इसको आप समझेंगे। तो परिणाम दुख महर्षि ने स्पष्ट किया कि जब आप कोई कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त कर लेते हैं तो लास्ट में उससे उसके उपरांत जो मिलता है वो क्या है? परिणाम दुख प्राप्त होता है। तो ये भी एक प्रकार का दुख महर्षि ने बताया है कि आपको जो फल प्राप्त हुआ, फल के बाद जो स्थिति बनती है वो भी क्या है? अंत में परिणाम जो मिल रहा है वो भी क्या है? एक प्रकार का दुख है। आज हर्ष है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया, आज हर्ष भले मना ले, कल इससे संश्लिष्ट दुख भी आएगा। वही अभी हम लोगों ने जो समझा कि अगर आप कुछ क्षण के लिए सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सुख क्या है बराबर बना रहेगा। एक समय आएगा जब दुख भी आएगा, तो अंत में जो परिणाम प्राप्त होगा वो आपको दुख ही देगा। तो इसको महर्षि ने क्या कह दिया? परिणाम दुख दिया। और स्पष्ट करते हैं, उसके पास अधिक भोग है। अब यहाँ पे कौन सा दुख आ रहा है इसको समझेंगे। ताप दुख क्या है? तो उसको बताया महर्षि ने, उसके पास अधिक भोग है, हमारे पास कम क्यों, ऐसी भावना ताप दुख कही जाती। तो परिणाम दुख, उसके बाद ताप दुख। ताप दुख क्या है? हमारे मन में उठने वाले जो भौतिकता या बाहर के लोगों से हमारे जो आजकल कंपेयर करते हैं एक दूसरे का, देख के जो हमारे मन में विचार उठ रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा सुख सुविधा है और हमारे पास कम है, तो इस तरह के विचार महर्षि ने क्या बतलाया? ताप दुख है। उसके पास अधिक भोग है, हमारे पास कम क्यों, ऐसी भावना ताप दुख कही जाती है। कभी कभी न चाहता हुआ भी दुख को प्राप्त हो जाता है। यह कौन से दुख हैं? संस्कार दुख। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं घटी, कोई दुख आ गया, तो ये दुख आपके संस्कारों पर निर्भर है। तो इस प्रकार महर्षि ने तीन प्रकार के दुख बताए। इन दुखों का कारण विवेकियों के लिए क्या है? सभी दुख हैं। तो कौन कौन से? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार, ये तीनों ही क्या हैं? योग में दुख माने गए हैं। फिर गुण वृत्ति विरोधाच सत रज तम, जैसे अभी हमने बताया कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, इन गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण परस्पर विरोधी परिणाम उत्पन्न करती है। ये सत रज तम क्या हैं? तो तीन गुणों का वर्णन महर्षि ने भी किया है, यही तीन गुणों का वर्णन अपने आदि योग ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलता है। तो सद्गुण, तमगुण और रजगुण। सद्गुण क्या है? जो सात्विकता की तरफ ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, ईश्वरोन्मुख, यानी कि सद्गुण। तामसिक गुण क्या होते हैं? तामसिक जो आपको ईश्वर से दूर ले जाए, योग से दूर ले जाए। राजसिक गुण क्या होते हैं? जो आपको कर्मों में बाधे, आपको बराबर फंसाए रखे, भोग के लिए प्रेरित करे। तो वो तीन प्रकार के गुण हैं, तीनों आपस में विरोधी है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में विरोधी होने के कारण भी दुख के ही कारण है, ऐसा महर्षि ने यहाँ स्पष्ट किया। देखते हैं, सात्विक वृत्ति क्या है? प्रकाश की ओर ले जाती है। तामसिक वृत्ति अंधकार की ओर, यानी कि प्रकाश से दूर, यानी कि ईश्वर के विरोध के रूप में, योग से दूर ले जाती है। इस प्रकार एक ही परिणाम के भोग में दूसरी गुण वृत्ति बाधक है। यहाँ देखिए आपस में विरोध हो रहा है, एक आपको ईश्वर की तरफ ले जा रहा है, एक आपको ईश्वर से दूर, तो एक दूसरे का विरोध है, तो एक बाधक ही बनते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सभी कर्म फल भोग दुख रूपी है। अर्थात विवेकी पुरुष यानी कि योगियों के लिए, जो योग में लगे हैं उनके लिए क्या है? दुख रूपी हैं। अतः इन क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए। महर्षि कहते हैं कि योग को प्राप्त करना है तो इन क्लेशों से ऊपर उठना है। क्लेशों को ऊपर उठने का इन्होंने तीन प्रकार के दुख बताए, तीन प्रकार के गुण बताए, इनसे ऊपर उठना। आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे थोड़ा समझें कि भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या है, विषेन्द्रिय संयोगाद यत ग्रे अमृतो पमम परिणामे विस्मि तत् सुखम राजसम समृतम। गीता में 18वां अध्याय 38वां सूत्र में भगवान कहते हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है। जब तक आप उसको सुख की अनुभूति कर रहे हो अमृत के समान लग रहा है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, अंत में क्या है वो परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है, वो विष ही प्राप्त होगा, इसलिए वह सुख राजस कहा गया। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जन्म आयु और भोग रूपी सभी कर्म विपाक दुख रूप ही है, इसलिए मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण भी आपको वर्णन कर रहे हैं कि इन भोगों से दूर रहना है, इन परिणाम से, इन जो भी आपके परिणाम प्राप्त होंगे विषयों और उसके इंद्रियों से जो भी सुख मिल रहा है इनसे दुख, इनको एक तरह से ये दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं। फिर आगे महर्षि कहते हैं हेयम दुख मनागतम। अब क्या है, अब कल की बात बना ले रे जो बीत गई दुनिया की रीत यही, जो बीत गया वो बीत गया, आगे की तैयारी करिए, योग के मार्ग में आइए। महर्षि यहाँ प्रेरणा देते हैं कर्मों के दुख रूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया, कर्मों के दुख रूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया वह तो बीत गया, कुछ अंश वर्तमान में भोगने में आ रहे हैं, किंतु जो दुख अभी आया नहीं, आया नहीं यानी कि अनागत है, अभी आएगा, आने वाला है वह दुख हे है। हे का अर्थ क्या होता है, नष्ट करने योग्य है। तो दुख महर्षि ने यहाँ पे आप योगियों को प्रेरित किया कि हे हम दुख अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उसको हे यानी कि नष्ट करने योग्य है, उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है, योग में बढ़ने की जरूरत है। आगे देखते हैं तो प्रश्न उठता है कि नष्ट कैसे करें, तो अगर महर्षि ने कहा कि नष्ट करने योग है तो उपाय भी तो बताना की जरूरत है। तो महर्षि ने यहाँ इस सूत्र में उपाय बताया है, नष्ट करने योग है, उसकी विधि क्या है, तो दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, ये दूसरा अध्याय साधन पाद का 17वां सूत्र है, इसको देखेंगे। दृष्टा और दृश्य का संयोग हे का कारण, कारण क्या है, हे मतलब दुखों को दूर करने का उपाय। पहले दृश्य का स्वरूप बताते हैं, दृश्य क्या है, तो महर्षि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गाथ प्रवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना है, जिनका प्रयोजन है, ऐसा है दृश्य। तो दृश्य में दो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट, भूत और इंद्रियां, या जो चीज़ भी आपको दिख रही है प्रकट रूप में दिख रही है वो सभी क्या है, महर्षि के अनुसार दृश्य है, और पुरुष जो अदृश्य है उसके लिए सारी व्यवस्था, भोग की व्यवस्था, सुख की व्यवस्था करना ही इनका कार्य है, उसी को महर्षि ने यहाँ दृश्य किया। आगे समझते हैं, प्रकाश एक परमात्मा में है, प्रकृति में अंधकार है, ईश्वरी प्रकाश आत्मस्वरूप की ओर ले जाना, प्रकाश का बोध कराना, उसके लिए क्रियाशील करना, योग साधना में लगाना, प्रवृत्त करना, स्थिति दिलाना, दृश्य का यही प्रयोजन है। तो दृश्य क्या है, जो प्रकाश की ओर ले जाए यानी परमात्मा की ओर ले जाए, आपको योग में लगाए, उसके लिए प्रयत्न कराए, ये सारी व्यवस्था क्या है, दृश्य कहलाती है। दृश्य क्या यानी कि भूत और इंद्रियों के जो विषय हैं वो दृश्य है, महर्षि ने कहा योग की तरफ ले जाएंगी तो वो दृश्य है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई देता है, अभी मैंने कहा, अभी हम लोगों ने समझा कि जो कुछ भी आपको सृष्टि में दिखाई देता है वो सब क्या है, भूत है। भूत और इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है, ये जो चीज़ें दिख रही हैं सारी चीज़ें, इंद्रियों का काम क्या है, आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, जीवा का काम है स्वाद लेना, ऐसे जितनी भी आपकी इंद्रियाँ हैं और शरीर है, ये सब क्या कर रहे हैं, इसी भोग को भोगने के लिए मार्ग देती हैं। तो पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना है, जिनका प्रयोजन है, ये भोग संसारिक नहीं है। अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं दृश्य का क्या काम है, ये संसारी भोग नहीं है, इष्टान भोगान ही वो देवा, गीता में कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा, 3रा अध्याय 12वां सूत्र, इष्ट संबंधी भोग देना ही दृश्य की विशेषता है,
ये दृश्य क्या कहते हैं, इष्ट संबंधित भोग को देते हैं। जो भोग आपको अभीष्ट है उसके संपादन में क्या क्या चाहिए सुविधा प्रदान करना दृश्य का कार्य है। अर्थात ये दृश्य क्या करता है, इष्टोन्मुख, इष्ट की तरफ बढ़ाने के लिए आपको ये शरीर के माध्यम से योग आप कर रहे हैं, इंद्रियों को योग में लगा रहे हैं, तो आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दृश्य का यही प्रयोजन है, भगवान का भोजन यही है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पाँचवा सूत्र, पाँचवा अध्याय 29वां सूत्र गीता। यज्ञ तप स्वाध्याय इत्यादि जो भी इष्टोन्मुखी साधन है उसे मैं खाता हूँ, यही भगवान का भोजन है। गीता में भगवान कहते हैं कि आप इस योग के लिए जो भी क्रियाएँ कर रहे हैं, जो भी साधन कर रहे हैं, वो सभी मैं उपयोग में लाता हूँ, वो सब मेरे लिए ही। अस्तु, पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोगों की व्यवस्था करना तथा अंत में मुक्ति का भली प्रकार संपादन करना, मुक्ति प्रण दूरी तय करा देना जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है। एकदम स्पष्ट समझिए शिक्षार्थियों, दृश्य क्या है योग में। वास्तव दृश्य वो है जो आपको इष्ट की तरफ बढ़ाए, योग की तरफ बढ़ाए, उस मार्ग में ले जाए। क्योंकि शरीर से ही और अपने इंद्रियों को ही वश में किया जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा आप कर रहे हैं वो सारा क्या है, इष्टोन्मुख, वही दृश्य है। यही प्रकृति ही दृश्य होती, यदि प्रकृति दृश्य होती तो मोक्ष देती। मोक्ष क्या है, परम पुरुषार्थ जिसका योग ग्रंथों में वर्णन है, चार पुरुषार्थों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ जिसको पाना है योग के द्वारा, वो क्या है, वही मोक्ष है। तो यहाँ पे महर्षि कहते हैं यदि प्रकृति ही दृश्य होती तो मोक्ष देता नहीं, बिल्कुल नहीं देता। प्रकृति तो संसार में फंसाने वाली है, उससे हमें मुक्ति पाना है। यहाँ दृश्य प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रेरणा है, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है वह दृश्य है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है वह दृश्य है। अनुभव में इन भूतों में से जीव जगत में से कुछ दृश्य आ सकता है जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इंद्रियां क्या करती हैं, अपने भोगों को ग्रहण करती हैं। यज्ञ तप इत्यादि साधन जुटाना, मुक्ति प्रण दूरी तय कराना जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है। बार बार स्पष्ट हो रहा है दृश्य क्या है, जो इष्टोन्मुख या योग की तरफ आपको ले जाए वो दृश्य है। यह दृश्य जिस विधि से प्रसारित करते हैं उसका प्रसारण सूत्र का नाम शब्द है। यह दृश्य जिस विधि से प्राप्त होता है, जिसको जो आपको इष्टोन्मुख तरफ ले जाएगा, योग की तरफ ले जाएगा, उसकी विधि क्या है, उसका प्रसारण सूत्र क्या है, वह शब्द है। आगे देखते हैं दृश्य मुक्ति का संपादन कैसे करता है, इस पर कहते हैं। अब ये जो दृश्य है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, इस सूत्र में महर्षि ने उसको वर्णित किया है। तो क्या है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, ये दूसरा अध्याय का 19वां सूत्र, समा साधन पाद का 19वां सूत्र में उन्होंने वो मुक्ति के लिए जो उपाय है वो बताया है। तो क्या है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग गुण परवाणी, गुण भेद से इन चार विधियों से दृश्य चलता है। चार विधियों से दृश्य चलता है, कौन कौन से, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। अब इसको समझते हैं, विशेष क्या है, विशेष परमात्मा है, पुरुष विशेष ईश्वर। पहले पाद जो समाधि पाद हमने पढ़ा था उसमें आप देखेंगे तो ईश्वर क्या है, विशेष पुरुष है। तो विशेष कौन है, पुरुष विशेष ईश्वर, जो विशेष है पुरुष है वह ईश्वर है। विशेष का बोध कराना, अविशेष अर्थात प्रकृति का आवरण घना हो रहा है। अविशेष क्या है, जो प्रकृति की तरफ ले जाए वह अविशेष है। सचेत हो जाओ, अभ्यास बढ़ाओ, जब आप प्रकृति की तरफ फंसेंगे तो योग का अभ्यास बढ़ाइए, सचेत रहिए, महर्षि इस बात को कहते हैं। विशेष ईश्वरीय आलोक का बोध कराना कि बढ़ते रहो साधना ठीक। लिंग मात्र क्या है, तो लिंग मात्र स्वरूप का प्रकट कर समझाना, स्वरूप प्रकट कर समझाना ही लिंग मात्र है। अलिंग क्या है, अदृश्य रूप से समझाना। अदृश्य रूप से किस प्रकार योग में आपको समझाया जाता है, तो कहते हैं अंग स्पंदन होता है, आकाशवाणी, अदृश्य संकेतों से भगवान समझाते हैं। योग में भी, गीता में भी इस बातों का वर्णन है, यहाँ भी इन बातों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में जब आप पहुँचेंगे विभूति पाद में, इसी पतंजलि योग सूत्र में, उसमें कई प्रकार की विभूतियों का वर्णन था, वहाँ इस बात का अधिक स्पष्ट हो पाएगा। कोई दृश्य नहीं रहता, अनुभव मिलता रहता है, गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब दृष्ट का स्वरूप, दृश्य और दृष्ट का स्वरूप, यहाँ दृश्य हमने समझा, अब दृष्ट क्या है यानी कि दृष्टा क्या है। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्य, दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्य, अर्थात
चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप दृष्टा, चेतन मात्र रहे ज्ञान स्वरूप, जिसका स्वरूप ज्ञान के अनुसार है, जिसको प्राप्त करना है जो चेतन है, वही क्या है? दृष्टा है। आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, आत्मा क्या है? स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। शुद्ध है, निर्विकार है, लेकिन आपकी जो बुद्धि जिस अवस्था में रहती है उसी अनुसार वो देखती है। जब गीता में 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ईश्वर ने एक सूत्र में कहा है कि अर्जुन, न मैं कुछ करता हूँ न कराता हूँ। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो योग में आप स्वयं लगे हैं, जब तक आप लगे हैं वो ईश्वर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नहीं लगेंगे तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा। योग में आप नहीं लगे तो आपकी अपनी कमी। तो इस बात को यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला है। कौन देखने वाला है? आत्मा, जो कि शुद्ध है, निर्विकार है। बुद्धि में जैसी वृत्ति होगी वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है। जैसा आप सोच विचार करेंगे, जैसी आपकी क्रिया रहेगी, उसी अनुसार ये आत्मा पतोन्मुख या इष्टोन्मुख बढ़ता है। यानी कि आत्मा भी प्रभावित होती है आपकी क्रियाकलापों से, आपकी योग के द्वारा। तो शिक्षार्थियों, आज हमने 2वें अध्याय यानी कि साधन पाद में 11वें से लेकर 20वें सूत्र का अध्ययन किया। अगले सूत्र में इससे आगे बढ़ेंगे। तो क्लेशों को दूर करना, क्रिया योग क्या है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, इन सभी का हमने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी।